दलित दलित समाज के लोगों को मोटा गांव में बाल नहीं काटते, कोई मटके से उनके घरों का पानी नहीं पीना, खटिए पे नहीं बैठने देते, बाद में उनके खेत में जाना तो उनकी इजाज़त लेनी पड़ती है। गांव में मंदिर है बहुत, सूरत देवी माँ का मंदिर है मोटा बड़ा, उसमें अंदर जाने नहीं देते, कसूत हो जाता है मंदिर भी। अपना कोई बुजुर्ग 50 साल का 60 साल का बैठेगा तो वो लोग उठ के चले जाएंगे, तो फिर बाद में वो पूछेगा क्यों उठ गए, तो तेरे साथ हम नहीं बैठे, तू दलित थे। In 2022, there were over 57,000 recorded cases of crimes against scheduled castes, averaging 158 cases daily. खेले पे बार में तो कुत्ता खाता है, ऐसे खिलाते हो। इनको प्रॉब्लम बहुत होता है कि तुम दलित हो, दलित घोड़ी पे बैठ नहीं सकता, पगड़ी नहीं पहन सकता, हम दलित क्यों घोड़ी पर नहीं बैठ सकते हैं? हम जिंदा है लेकिन मरे मरे जी रहे। दिल में तो बहुत महसूस होता है कि क्या करें। When discussing caste in contemporary India, there is a common tendency for people to assert that it no longer exists and belongs to the past. However, is this assertion reflective of reality? The National Crime Records Bureau's latest report shows that in 2022, there were over 57,000 recorded cases of crimes against scheduled castes all over India, averaging 158 cases daily. This marks a 35% increase compared to the figures from 2018. But what comes to our minds when we think of atrocities against Dalits? It's likely just violence. How do you comprehend a situation where leading a seemingly normal life becomes an act of defiance and courage? In this journey of mapping India, this is the state of Gujarat. And it's the story of Bhupat Bhai Sekhalia fighting for the right to lead a normal life. He tells us what it feels like to be wounded again and again, and why the life we all call normal may actually be a matter of privilege for people like him. मेरा नाम भूपत भाई कनुभाई सेखलिया है। गुजरात का बनासकांठा जिला है और बनासकांठा जिला का मोटा गांव है, वहाँ मैं रहता हूँ और मैं दलित समाज का लड़का हूँ। मेरे परिवार में मम्मी पापा है, मेरे छोटे दो भाई हैं, मेरी बीबी और मेरा छोटा बच्चा है। मेरे मम्मी पापा ने हमको पालने के लिए, बड़ा करने के लिए लोगों के मजदूरी की, उनके उनके सामने जो जो बोला, किसी भी चीज़ का सामना करना पड़ा उनको। परिवार छोटा था और पापा पे बहुत जवाबदारी थी और बहुत तकलीफ झेल के हमको बड़ा किया है। माँ और पापा का दोनों का प्यार पापा ने दिया है, कि मोम तो बहुत बीमार रहती थी। अब उनकी जगह मैं लेना चाहता हूँ कि जो उन्होंने किया तो आज मेरे पे है सब कुछ, कि जो तकलीफ उन्होंने देखी है ना, वो अगले परिवार में कोई न देखे, अच्छी तरह रहे, शान से रहे, अपने तौर तरीकों से रहे, ऐसा करना चाहता हूँ। ऑटो रिक्शा चलाता हूँ और हमारे पास 6 जन हैं परिवार में, हम 6 जनों का जो भी मेरे से जो भी बनता है उनके लिए करता हूँ। जो भी कोई भी पैसों की कोई भी दिक्कत हो, कपड़े कोई भी कपड़ा चाहिए, कोई दवा दारू चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो जो भी मेरे से बनता है और सब कुछ मैं ही करता हूँ, पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे पर है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि होता है धंधा नहीं होता है,
हो जाता है तो 200-500 का भी हो जाता है, नहीं होता तो 100 का भी नहीं होता है। सभी है जो दोनों भाई थोड़ा थोड़ा कमाते, मम्मी पापा कमाते, मैं भी कमाता, सब मिलजुल के कमाते तभी हमारा घर का गुजरान चलता है। मैं बचपन से जिद्दी बहुत हूँ, आज तक जिद्दी हूँ। जो मैं ठान लेता हूँ कि जो करना है करता हूँ 110% के, भले जान चले जाएंगे तो भी करूँगा। मैं किसी के दबाव में नहीं रहता। मेरे को तो मेरे पापा से, पापा के सिवा किसी से डर नहीं लगता है, और माँ से बहुत प्यार करता हूँ, भाइयों से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे से भी ज़्यादा छोटा है, बहुत जिद्दी है, जो कि लाड़ प्यार से हमने हद से बाहर निकाल दिया है उसको, उसको कभी डांटा नहीं है। छोटा भाई जो भी मजदूरी मिलती है वो करता है, कलर काम करता है कोई। अच्छी तरह रहना, अच्छी तरह कपड़ा अच्छे पहनना, अच्छी तरह घूमना, अच्छी गाड़ी में घूमना, ऐसा ही मेरा शौक है, और अपने परिवार का अच्छी तरह देखभाल रखना। लेकिन हम दलित समाज के लोगों को मोटा गांव में कोई हक मिलता नहीं। पहले तो यहाँ पे पहले तो राजपूत समाज आती है, फिर ठाकुर समाज आती है, थोड़े बड़े रावण है, थोड़े वाल्मीकि भी दलित में आते हैं, फिर प्रजापति है, नाई है, थोड़े लोहार है, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, 8-10 जात है अलग अलग। सबसे ज़्यादा लोग ठाकुर समाज के लोग हैं, उनको 3000 से ज़्यादा एक करोगे। हमारे 80 घर है। हम दलित समाज के लोगों को मोटा गांव में पहले बाल नहीं काटते, कोई मटके से उनके घरों का पानी नहीं पीना, खटिए पे नहीं बैठने देते, बाद में उनके खेत में जाना तो उनकी इजाज़त लेनी पड़ती है, बहुत अत्याचार के। कोई डेयरी है, डेयरी में भी हमारा कोई सम्मान होता नहीं है, वो लोग ऊपर बैठते, उनका छोटा बच्चा होता है 10-15 साल का तो भी कुर्सी में बैठता, और हमारा दलित समाज का 15-50 साल का होगा तो भी नीचे बैठता है, ऐसा यह भेदभाव असूत वाला चलता है। बोकड़े पे बैठे तो जो कोई वो लोग बैठे हों, राजपूत समाज, ठाकुर समाज, कोई भी समाज, ऊंची समाज के, जो अपना कोई बुजुर्ग 50-60 साल का बैठेगा तो वो लोग उठ के चले जाएंगे, तो फिर बाद में वो पूछेगा क्यों उठ गए, तो तेरे साथ हम नहीं बैठ सकते, तू दलित है। गांव में मंदिर है, बहुत सूरत देवी माँ का मंदिर है मोटा बड़ा, उसमें अंदर जाने नहीं देते, असूत हो जाता है मंदिर भी, ऐसा बोल रहे हैं। जो खेत मजदूरी के लिए जाते हैं कोई भी जाए दलित समाज का, काम करवाने के बाद जो उसको बोलते हैं कि घर से तुम्हारा वटका लेके आना, पानी का गिलास लेके आना, फिर उसमें देते हैं खाना और दूर रखते हो। बाद में वो बोलता है कि जो कंतन आता है ठेला, ठेले पे बाहर में जो कुत्ता खाता है ऐसे खिलाते हो, बाहर कुत्ता नहीं बैठता हो, घर के बाहर ऐसे खिलाते हैं। हमको ही तकलीफ झेलनी पड़ती है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम दलित पे अत्याचार होता है। हमें यहाँ रहते हैं तो हम खाली एक नाम के ही रहते हैं, हमारा कोई है ही नहीं, घर है, जमीन है, परिवार है, लेकिन कोई गांव का कोई सपोर्ट नहीं है। दिल में तो बहुत महसूस होता है कि क्या करें, लेकिन मजबूरी होती है ना तो सब कुछ करना पड़ता है। काम नहीं करते तो घर परिवार भूखा मर जाएगा। उनके वहाँ जाते 200-300 देते हैं तो अपना घर चल जाता है, और 2-5 जनों का खाना भी हो जाता है। जो उनसे भी कोई भी झगड़ा कर देंगे तो वो लोग बंद कर देंगे तो कहाँ जाएंगे वो लोग। उनके वहाँ मजदूरी करने जाते जो भी किराया देते, जो भी जैसा बर्ताव करते, वो लोग हंसते हंसते सहन करते हैं। हम जिंदा है लेकिन मरे मरे जी रहे, मर मर के जी रहे हरदम।
कोई भी पॉइंट निकाल के हमको नीचा ही दिखाते हैं। तो दलित का लड़का है तो ऐसे नहीं कर सकता, मुछ नहीं रख सकता, अच्छी तरह कपड़े नहीं पहन सकता, अच्छे जूते नहीं पहन सकता। जो चलन है वो राजपूत समाज का है। इधर मान लो कि मेरे छोटे भाई का शादी है तो मेरे को घोड़ी लानी है, तो घोड़ी तो हम ला लेते पर उनको परमिशन लेना पड़ती। क्यों? कि इनको प्रॉब्लम बहुत होता है कि तुम दलित हो, दलित हो, दलित घोड़ी पे बैठ नहीं सकता, पगड़ी नहीं पहन सकता, कि ये लोग दलित है और घोड़ी लाने की बात करते तो वो षड्यंत्र रचेंगे उसका राजपूत समझ वाले कि लाने दो, बोलो इनको लाने दो, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। पहले बोलेंगे हमको हौसला दे देंगे हमको टारगेट करने के लिए, फिर बाद में कहेंगे तुम दलित हो और घोड़ी पे बैठोगे। हम दलित क्यों घोड़ी पर नहीं बैठ सकते? तो वो मेरे मासी का ही लड़का था, वो उसका नाम अतुल भाई वीरा भाई सेकलिया है और उसका शादी था आर्मी मैन है, अफसर है, तो उसने उसका भाई था तो उसने बोला था कि मेरे को घोड़ी लानी है, तू बैठेगा घोड़ी पे, मैं तेरे को बिठवाऊँगा। राजपूत समाज को खून उबलने लगा कि दलित जब घोड़ी पे बैठ जाएगा तो एक कायदा नियम कुछ रहेगा नहीं। घोड़ी लानी थी पर लेकिन पहले उन्होंने रोक दिया कि तुम घोड़ी लाओगे ना तो जान हानि हो जाएगी गांव में, किसी का मर्डर भी हो सकता है इसमें, ऐसा बोला था। लगन के समाज जो कोई लड़ाई झगड़ा होगा तो आपकी जिंदगी अपना घर का कोई जाएगा, उसने अच्छा सोच के किसी को न नुकसान पहुँचे इसलिए घोड़ी नहीं लाई थी। लेकिन ये राजपूत समाज वाले समझे नहीं, फिर भी पत्थर मारा किया उन्होंने, पत्थर मारा किया तो केस किया, तो हम तो उनके साथ ही साथ में साथ रहते थे, डटे रहते थे। उसमें उन्होंने एक्रोसिटी की तो हम साथ में पुलिस स्टेशन FIR कराई, सब में साथ रहे, वो जहाँ जाते मीटिंग होती तो साथ में रहते थे। फिर बाद में उन्होंने टारगेट किया कि भूपेन और कन्हैया भाई के लड़के हैं वो लोग ज़्यादा इनमें इन्वॉल्व है, तो पहले तो नाम नहीं लिया, फिर 4-5 महीने के बाद जो जिगर कहाँ भी जाता था तो उसको वो टॉर्चर करते थे। मैं भी कहीं भी जाता था तो मेरे को भी धंधे पे जाता था वो लोग कि तुमको तो देख लेंगे, तो बहुत उड़ रहा है हवा में, तेरे को देख लेंगे। और टारगेट करने के बाद जिगर हाथ में आ गया कि वो बैठा था रास्ते में ही बैठा था, तो उसको बोला कि तेरी को बहुत चर्बी है, तो दलित और चर्बी है, तो गूगल्स पहनता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे शूज पहनता है, दाढ़ी मूछ रखता है, तेरी चर्बी हम निकाल देंगे, हम राजपूत हैं। तो ये सुन के आके घर पे आके बैठ गया। मेरे को बोला पहले उन्होंने कि तेरे भाई बहुत हवा में उड़ रहा है, उसको बहुत चर्बी है, तो उसको समझा देने का ना कि हम टंकर में केरल में के पटड़ी में मार के फेंक देंगे, तुम पहले भी केस कर चुके तो क्या हमारा उखाड़ लिया तुमने, हमारा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते कि हमारे पग की धूड़ हो तुम। फिर बाद में जिगर को वो 30-5-2023 को रात को 7:30-9 बजे तक रात को डेरी बोलते हैं गांव में, डेरी के पीछे वाले बाग में उपाड़ के नीचे ले गए इसको, जिगर को अकेले को, और 15 लड़कों ने इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसको होश भी नहीं था। फिर बाद में मम्मी बुलाने गई खाने के लिए, तो मम्मी बोली कि जिगर चल, तो जिगर तो उसको मार रहे थे तो फिर उसको छुड़ाने गई तो उसको भी मारा, मम्मी को बहुत मारा, हाथ पे लगा और माथे के, अभी भी ये हुए 5-6 महीने अभी भी उसके मगज पे अभी भी असर है। जिगर को बहुत पीटा, फिर बार में घर पे लाया, पुलिस को इन्फॉर्म किया, घर पुलिस स्टेशन लगता है, तो उन्होंने बोला कि केस करना है, तो मैंने बोला कि मेरे को कोर्ट में नहीं करना, मेरे को सिविल केस करने का है कि मेरे को इनको मारा उसका न्याय चाहिए।
सिविल हॉस्पिटल पालमपुर, पालम में ले गए और 15 दिन उनका ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट हुआ फिर बाद में बहुत लगा था बहुत, लेकिन सिविल में रिपोर्ट में कुछ उलट पुलट कर दिया कि कोई रिपोर्ट में ऐसा नहीं दिखा कि लगा है, घुस दिया हो तो कुछ भी किया हो। और आज दिन तक अभी इस केस को 7 महीने हो गए, कोई न्याय नहीं मिला कि उनको, उन आरोपियों को आज तक कुछ कभी भी अरेस्ट भी नहीं किया। और जब भी हम एसपी है, डीवाई एसपी सर पुलिस वाले उनको बोलते हैं तो वो हो जाएगा, बस प्रशासन बोलते हैं ना उसको, प्रशासन सब उनका उनका है। Dalits constitute 6.74% of Gujarat's 7.16 crore population. In the last 7 years, the state witnessed 9,178 cases of crime against Dalits. In 2022, the state registered 1,425 cases of atrocities against Dalits, averaging 4 cases every day. Despite the high incidence, conviction rates are shockingly low. In 2021, Gujarat recorded a dismal conviction rate of only 5.8% for crimes against Dalits, ranking amongst the lowest in the country. Kantilal Parmar is an activist associated with Navsarjan, a trust dedicated to offering legal support and fostering awareness within the Dalit community. From once being an ordinary Dalit individual, unaware of his rights, Kantilal now sheds light on the evolving patterns in the caste dynamics within the state of Gujarat. Gujarat mein jo ho raha hai, day to day violation badh raha hai. Ye untouchability practice hai, wo pehle notice pe nahi aati thi, ab bahut notice pe aa rahi hai, kyunki wo logo ki jagruti badh jane se wo abhi police station mein bhi अभी उसका रिपोर्टिंग हो रहा है। ये हमने जो 3 साल तक उसका वो सर्वे किया था अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस का 1589 गांव में, तो इसमें उभर के आया था कि 97 टाइप ऑफ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन विद दी दलित एंड अपर कास्ट। कोई भी जो दलित युवा है वो अवेयरनेस की वजह से कहीं से भी वो अपने अधिकार की बात सीख के आया, और जब वो अपना अधिकार मांगने की कोशिश करता है या बराबरी की बात करता है तो ये डोमिनेट कास्ट के लोगों को वो मुश्किल पैदा होती है कि हमारी बराबरी करने की कोशिश कर रहे तो प्रॉब्लम होता है, तब ये वायलेंस की शुरुआत होती है। कॉन्स्टिट्यूशन की माध्यम से जो लॉ है तो वो फंडामेंटल राइट है, या एट्रोसिटी एक्ट है, पीसीआर एक्ट है 1955 का, तो वो इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से नहीं होता है। एट्रोसिटी एक्ट में ऐसा है कि ये जो रूल्स 16 है तो उसमें एक 20 लोगों की चीफ मिनिस्टर के चेयरमैनशिप में स्टेट विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए, और सारे स्टेट में वो स्टेट मॉनिटरिंग एंड विजिलेंस कमेटी देखेगी हर 6 महीने में कि एट्रोसिटी एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन होता है या नहीं होता है। जो विजिलेंस कमेटी होनी चाहिए वो अभी 1 बरस से ज़्यादा समय हो गया, लेकिन उसका वो रचना ही नहीं हुई है। समिति नहीं बनाते हैं, उसकी हर 6 महीने मीटिंग नहीं करते हैं, उसका जो फॉलोअप नहीं लेते हैं, रिव्यू नहीं करते हैं लॉ का इम्प्लीमेंटेशन का, तो ये दोनों तरफ से अलग अलग है। गवर्नमेंट के सामने भी लड़ना है और जो अपर कास्ट है उसके सामने भी लड़ना है, पुलिस के साथ भी लड़ना है, और जो ये जो अत्याचारी है उसके सामने भी लड़ना है। Kantilal also highlights something new, a different pattern in the caste dynamics that he is noticing in the state of Gujarat. हमारा सर्वे ये कहता है कि डोमिनेट कास्ट जो है वो ब्राह्मी लोग क्षत्रिय तो है ही,
लेकिन जब हम वायलेंस की बात करते हैं, कास्ट बेस्ड वायलेंस की, तो सबसे ज़्यादा वायलेंस ओबीसी करते हैं दलित पर, तो वो ओबीसी अपने आप को अपर कास्ट गिनता है। हमने 5 बरस का डेटा लिया था गवर्नमेंट से, अलग अलग पुलिस स्टेशन में से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो सुपरिटेंडेंट पुलिस है उसमें और स्टेट लेवल पे से, सभी एक एक एफआईआर में से जाति निकाली कि कौन कौन सी जाति के लोग हैं जो एट्रोसिटी करते हैं दलितों पे। तो सबसे ज़्यादा हमें पाया कि मोर देन 50% ये जो एट्रोसिटी होती है भाई ओबीसी से होती है। अनटचेबिलिटी फ्री इंडिया हो, इसके लिए आर्टिकल 17 रखा है, तो आर्टिकल 17 का अभी कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। आप हिंदुस्तान के किसी कोने में जाओ, सभी जगह अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस है। हमें जीने का अधिकार है आर्टिकल 21 में, लिव लाइव टू विथ डिग्निटी, लेकिन डिग्निटी तो कहीं है नहीं। हमें कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन करना पड़ता है, हमको वो ये सावन लेके के गली साफ करनी पड़ती है, ये हमें ये गटर में मरना पड़ता है, तो इट इज़ कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन। सरकार को ये करना चाहिए कि लोगों को बताना चाहिए, गवर्नमेंट की ओर से कई कैंपेन चल रहे हैं, बेटी बढ़ाओ बचाओ बेटी पढ़ाओ उसका कैंपेन चल रहा है, कोरोना मुक्त भारत हो इसका कैंपेन चल रहा है, तो ऐसा कैंपेन चलाना चाहिए कि अनटचेबिलिटी फ्री इंडिया हो, कास्ट बेस्ड वायलेंस फ्री इंडिया हो, उसके लिए जागृति बढ़ाना चाहिए। हमारा आइकॉन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर है, ये जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था अभी कॉन्स्टिट्यूशन आया है। हम पहले लड़ नहीं सकते थे लेकिन अब हम लड़ सकते हैं। हमें हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, समान रीते बैठे उठे सब कुछ कर सकते हैं, सरपंच भी बन सकते हैं इस गांव में, ऐसा हक चाहिए। और कोई हमें ढेट कोड़ा हरिजन ऐसा एक खराब शब्द है, हमको गिराने वाले शब्द, ऐसे शब्द ना बोले। जो गांव करता वो हम कर सके, घोड़ी ला सके, बाल कटवा सके, कपड़ा अच्छा पहरे, खेत मजूरी में जाए, अच्छे खाना अच्छा मिले। ऐसा होता है फीलिंग, ऐसा होता है कि जीना भी कोई जीना है। हम भी इंसान हैं, हमारे जैसा उनका शरीर है, सब कुछ है। ये जातिवाद का ये मसला कब हल होगा?